अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आज का हमारा टॉपिक जे एन एर चैप्टर सिक्स की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा करेक्टर्स का बताती हूँ कि कौन से न्यू करेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं लेकिन चैप्टर सिक्स में कोई भी नया करेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया जो मैं करेक्टर्स आपको पहले बता चुकी हूँ अब तक वही हैं इस चैप्टर में भी इसमें कोई नया सॉरी नया करेक्टर नहीं इंट्रोड्यूस करवाया गया तो इसका जो चैप्टर सिक्स है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि जो जेन की सेकंड मॉर्निंग होती है वुड पर उस पर तब सारी बच्चियाँ सुबह नाश्ते के लिए जागती हैं तो वो ये देखते हैं कि जो गढ़े हैं या हम ये कह सकते हैं पिक्चर्स वगैरह हैं वो उनके जिनके अंदर पानी रखा जाता है वो बिल्कुल जम चुके हैं अभी उसने तकरीबन बहुत ही कम देखा होता है वुड को भी वो डिस्कवर करना चाहती होती है लेकिन फिर भी जो जेन है वो अब एक हम कह सकते हैं एक्टर बन जाती है वो हर चीज़ में स्कूल में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देती है हालांकि उसको दो दिन ही हुए आए हुए तो वो लेकिन फिर भी वो बहुत पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स बन जाती है हर इवेंट में पार्टिसिपेट करती है जेन बैठी हुई मतलब सी रही होती है जो भी वहाँ पे उनके स्कूल में सिखाया जाता है तो वो एक चीज़ नोटिस करती है वहाँ पे कि किस तरह जो हेलेन बर्न है उसको मिस कैचर जो है वो हर बात में अनफेयरली ट्रीट करती हैं तो वो हर मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्कूल में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ टीचर्स होती हैं जो मिसट्रीट कर जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स को तो इसी तरह मिस मिसकेचर्ड जो हैं वो हेलन बंस को मिसट्रीट करती हैं और वो हेलन बर्न को हर उस चीज़ के लिए पिक कर लेती हैं कि मतलब जैसे कि तुमने अपनी चिन नहीं सही तरीके से पॉइंट की हुई यू आर नॉट होल्डिंग अप योर हेड तो इन चीज़ों के लिए भी इसको पॉइंट आउट करके उसको मिसट्रीट करती हैं लेकिन जब मिस स्कैचड के क्रिटिसिज्म के अलावा जो हेलन है बेशक वो जितना मर्जी क्रिटिसाइज करती लेकिन जो हेलन है वो क्लास की सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट थी शी वॉज अ टॉपर ऑफ दैट क्लास और उसके पास तकरीबन हर मुश्किल जवाब का सॉरी मुश्किल सवाल का जवाब होता था तो शाम में जो जेन थी वो फिर से हेलन से गुफ्तू करने लगी तो उसको पता चला कि हेलन की क्या लाइफ के ऊपर फिलोसफी है और वो किस तरह से हर चीज़ को इंड्योर करती है और हेलन ने बहुत ही अच्छे तरीके से जेन को उसकी तमाम तर इतार या विचुस के लिए उसने उसकी तारीफ़ की और उसको कहा कि तुम जिस तरह से वो हर चीज़ पे अटेंशन देती है क्लास में वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है लेकिन जो हेलन होती है वो मतलब इस चीज़ पर यकीन रखती है कि वो खुद मतलब बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस का मुहिरा करती है और क्लास में इतना कंसंट्रेट नहीं करती है वो मतलब ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो डे ड्रीमिंग में गुजार देती है उसके कुछ ख्वाब होते हैं जो वो पूरा करना चाहती है वो चाहती है कि वो अपना एक घर बनाए डीप देन नॉर्थम लैंड में ये इसको बहुत बड़ा ख्वाब होता है लेकिन जो जेन होती है वो सिर्फ ये चाहती है कि उसको लगता है कि जो हेलेन है वो ये उसको चाहिए कि वो इनजस्टिस के खिलाफ फाइट करें यानी जिस तरह स्कैचर्ड उसके खिलाफ उसको मतलब हम कह सकते हैं मिसट्रीट करते हैं तो उसे इसके खिलाफ बोलना चाहिए हेलन उसको ये भी बताती है कि कि जो क्रिश्चियंस की जो एग्जांपल है सॉरी क्रिस्ट की जो एग्जांपल है वो हमें यह बताती हैं मतलब जब वो जेन अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू उसके सामने रखती है कि तुम्हें इनजस्टिस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए तो हेलेन उसको आगे से बहुत ही पॉजिटिव वे में जवाब देती है कि जो हमारे क्रिस्ट हैं उनकी एग्ज़ैम्पल है वो हमें इस तरह से उन्होंने मिसाल दी है कि हमें अपने जो दुश्मन है हमें उनसे भी मोहब्बत करनी चाहिए तो फिर वो तो फिर उनकी टीचर थी तो चैप्टर सिक्स में ये बताया गया ये तकरीबन तमाम मैं कह सकती हूँ कि एक्सप्लेनेशन थी चैप्टर सिक्स की अब चैप्टर सेवन की भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ठीक है तो जो, जो चैप्टर सेवन है उसमें भी कोई न्यू करेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया और इसमें अब हम देख लेते हैं बाकी वही करेक्टर्स हैं जो हम लोगों ने चैप्टर सिक्स और उससे पिछले तमाम चैप्टर्स में पढ़े थे तो जो जेन ईयर होती है उसका फर्स्ट क्वार्टर जो है वो पास कर जाता है लॉवुड में ठीक है मतलब वो तकरीबन हम कह सकते हैं वन फोर्थ जो टाइम है वो अपना गुजार चुकी होती है तो उसके बाद जो जेनियर है उसका जो पूरे स्कूल पे पहले तीन मंथ का इंप्रेशन पड़ता है यानी वो जो इंप्रेशन सीख करती है स्कूल से उसको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक्सप्लेन करके बयान किया गया है उसके बाद वो अपने हार्शनेस ऑफ लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है जो कि लॉ वुड में क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो है इनको मुसलसल पढ़ना स्ट्रगल होती है एक तरह की लेकिन इसको ये चीज़ जो गेट्स सा ढोल है उससे बेटर लगती है ठीक है लेकिन यहाँ पे वुड में बहुत ठंड होती है तकरीबन इस तरह होती है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है उनको जो चीज़ें मुहैया की जाती हैं वो इस इतनी इस काबिल नहीं होती कि वो अपने आप को पूरी तरह से कवर रख सकें इसके अलावा उनको तकरीबन भूखा भी रहना पड़ जाता है और बहुत से ऐसे जो उनके घंटे हैं मतलब वक्त है वो गुजर जाता है जो चर्च का कैथिसम है उसको याद करते करते और लॉन्ग सर्मन जो होते हैं उनको सुनते सुनते अब ये दोनों चीज़ें चर्च से रेलिवेंट हैं मतलब जो इस जो ईसाई मजहब है ये उसमें मतलब ये उन उसका पार्ट है ठीक है तो जो जेन होती है किस्मत से वो मिस्टर ब्रोकल हर्स जो होते हैं क्योंकि वो जानती थी कि जो मतलब जेन जानती थी कि जो मिसेस रीड है उन्होंने ब्रोकल हर्स्ट को उसके बारे में बहुत ही गलत बातें बताई हैं और ब्रोकल हर्स्ट ने इस बातों का यकीन भी कर लिया है तो जो ब्रोकल हर्स्ट है वो लॉबुड के फाइनेंशियल मैनेजर हैं तो जब से जेन वहाँ आई थी तो तब से जो मिस्टर ब्रोकल हर्स्ट थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ से एबसेंट थे लेकिन एक दिन आया कि वो स्कूल आए तो जब वो स्कूल आए तो जेन बहुत ज़्यादा परेशान होगी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी जो इमेज बनी हुई है वो खराब हो जाए और उसकी ये बात बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से याद थी कि मिस मिसिज रीड का जो कमेंट था जेन के बारे में वो मिस्टर ब्रोकलेट को याद होगा तो जो मिस्टर ब्रोकर हर्स्ट हैं और उन्होंने वादा भी किया था मिसेस रीड से कि वो पूरे स्कूल को बता देंगे कि इस बच्ची के अंदर मतलब मॉरल कैरेक्टर इसका अच्छा नहीं है और ये झूठ बोलती है तो जब इनका विजिट होता है मिस्टर ब्रोकर हर्स्ट का लोवुड में तो जो जेन होती है उससे गलती से उसकी जो स्लेट होती है वो गिर जाती है जैसे उसके हाथ से वो स्लेट गिरती है जो मिस्टर ब्रोकल हर्स्ट है उसको नाम दे देते हैं कि एक बहुत लापरवाह लड़की है लेकिन जो मिसेस मिस टेम्पल होती हैं वो उससे कहती हैं कि तुम्हें पनिशमेंट से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें खौफ सदा होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है जेन को फिर उसके बाद स्कूल का डेंस ऑफ द स्कूल जो है वो बना दिया जाता है ब्रोकल हर चीज उसको पनिशमेंट देते हैं उसे कहते हैं कि तुम स्टूल के ऊपर खड़ी रहोगी और पूरे स्कूल को बताते हैं कि जो जैन है वो एक झूठी है शिजल्दा है तो और कोई भी इससे पूरे दिन के लिए बात नहीं करेगा जेन से तो लेकिन फिर भी हेलन क्योंकि जेन एर की दोस्त थी तो वो उससे चुपके से बात करने करती है और जब भी उसके पास से गुजरती है तो उसको एक दोस्तों वाली मुस्कुराहट का इधहार कर दिया ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करे सो दिस वाज दी होल एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर सिक्स एंड चैप्टर सेवन आई होप आपको समझ आ गई होगी कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू